मोहतरम नाजरीन, मुल्क के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। आए दिन किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को हदफ़ निशान बनाया जा रहा है, उन जुर्मों का कसूरवार ठहराया जा रहा है जो मुसलमानों ने किए ही नहीं। हर तो ये हो गई कि चंद दिन कबल न्यूज़ 18 के चैनल पर सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। मीडिया की जानिब से ऐसे कलिमात अदा किए गए जिसके बवान बयान करने से खासिर है। यकीनन 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो गए हैं। पता ये चला है कि अमीश देवगन नामी जर्नलिस्ट, जो जर्नलिज़म से कुछ ताल्लुक़ ही नहीं रखता और जिसे जर्नलिज़म की कोई सूझ बूझ ही नहीं है, उसने हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में ऐसी गुस्ताखी की है कि हमारे जज्बात मजरूह हो गए हैं। इसी सिलसिले में मुत्तहिदा मदरसे मशायख़ के ज़िम्मेदारान का एक वफ़ कल रात बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पे हमने उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई और आज मकबूल मिल्लत अलहाज सैयद अहमद पाशा कादरी साहब मोतमद उमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MLA याकुतपुरा की क़यादत में हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से भी मुलाकात की, दाश पेश की गई। उन्होंने हमें इस बात का तयक़ुन दिया है कि इस किस्म के लोग जो मुल्क में मुनाफरत फैलाते हैं, जो बंटवारे का काम करते हैं, जो नफ़रतों को फ़रोग़ देते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यकीनन की जानी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात में COVID-19 से जूझती हुई दुनिया, जब इंसानियत एक दूसरे से इत्तेहाद करने के लिए कोशिश है, हम सब का मसला फ़िलहाल इंसानी ज़िंदगियों को बचाना है। पता नहीं कि कैसे लोगों को जर्नलिस्ट की कुर्सी दे दी गई है और नेशनल टेलीविजन चैनल्स पर उनको बिठा दिया गया है, वो जब चाहे जिसकी चाहे इज्जतों को उछालते हैं। मुसलमान याद रखे कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, हम मजालिम तकालीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी गीरत ईमानी हमको ये इजाज़त नहीं देती कि इस्लाम की नामूस पर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत मुबारक पर या औलिया अल्लाह की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की जाए। यकीनन चूँकि COVID-19 का दौर है, हम किसी भी कस्म के एहतजाज का इरादा नहीं रखते, लेकिन जो हमारा जमहूरी हक है हमने वो हक़ को इस्तेमाल किया है। अभी हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की है, ज़रूरत पड़ने पर हमारे साथ फाजिल वकला की टीम है, हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। साथ ही में मैं हिंदुस्तान के 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों के ही नहीं बल्कि तमाम उन मजाहिब के मानने वालों के, जिन्हें गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है, जो उनके दरबार पर बड़ी मोहब्बत अकीदत और एहतराम के साथ जाते हैं, उनसे भी ख्वाहिश करूँगा कि अमन व अमान को बरकरार रखे। आज हिंदुस्तान में इत्तेहाद की जरूरत। सुप्रीम ग्रुप की नई पेशकश ट्रेवल्स के बाद अब रियल स्टेट में सुप्रीम फार्मलैंड ओपन प्लॉट्स और विलास नगद और आसान अक्सात के लिए अभी कॉल करें।